प्यारे दोस्तों, ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी बहुत ही अस्पष्ट शब्दों में एक गंभीर बात आपको बताना चाहता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे, सब जाए मगर पर मान रहे, गौरवान्वित गुंजित ज्ञान रहे, कुछ हो न तजो नि साधन को, नर हो न निराश करो मन को। प्यारे दोस्तों, यहाँ देखिए पानी है, पानी है, पानी। ये पानी इतनी जीवनदायिनी है कि मोती भी पानी में ही अपने महत्व को पाता है। मनुष्य भी पानी मीन्स इज्जत, अगर अपने इज्जत का ख्याल रखता है तभी वो महान मनुष्य कहलाता है। इज्जत, मर्यादा, पुरुषोत्तम बनना। और चून, चूना से भी पानी निकाल दीजिए तो भी किसी काम का नहीं रहता। तो अपनी इज्जत आबरू के लिए हमेशा कुछ महान व्यक्ति बनने की प्रेरणा अपने आप में डालिए। फिर से दोहराता हूँ, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। हमेशा अपनी इज्जत रखो, अपने आप का, अपने परिवार का, अपने देश का, अपने राष्ट्र का, अपने विश्व का, तभी एक महान नायक बन सकते हैं। हमारी इज्जत हमारे विचारों से आती है। उत्तम विचार, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम के प्रवाह में बहते हुए बुद्ध और विवेक की भाषा बोलते हुए इस पृथ्वी पर स्वर्ग उतारने की तमन्ना रखते हुए एक मर्यादित महापुरुष की छवि हमें दिखाना है। नहीं तो जानवर की तरह जीने वाला व्यक्ति पशु प्रवृत्ति से प्रेरित जिंदा ही नहीं होता तो अच्छा था। कबीर भी यही कह के गया, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कुछ ऐसा कमाल के करके चले कि दुनिया में कुछ अच्छे अच्छे अनुसंधान, अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे सोच हो, जिससे कि पृथ्वी पर स्वर्ग उतरे और लोग शांति से जिए। यही इस फकीर योगी वीरेंद्र योगी का लक्ष्य और ध्येय है। मैं रहूं ना रहूं फक्र नहीं, आप सब खुशहाल रहो। खुश रहना देश के प्यारों, भले हम सफ़र कर जाएं, लेकिन आप सब इन विचारों को ज़रूर अपने मस्तिष्क में स्थान दो और एक महान व्यक्ति बन के फिर से बुद्ध और विवेक के विचारों को पूरी पृथ्वी पर शांति, अहिंसा, प्रेम पर चलने के लिए प्रेरित करो। ये विश्व युद्ध, ये लड़ने वाले कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, दुष्ट के विचारों को भी परिवर्तन करने की चेष्टा करो। मैं तो कर रहा हूँ, सुन नहीं रहा। ये बहरे पत्थर हैं, ये कब सुधरेंगे? कोशिश तो करो।